भारत के आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है और अगले कुछ महीनों में ये लागू भी हो जाएंगे। अब भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो गया है और उसके तहत धाराएं भी बदल गई हैं। तो कई कानून की परिभाषाएं भी अब पहले से अलग हैं। यही नहीं, कई मामलों में तो सजा से लेकर जुर्माने तक के प्रावधानों में बदलाव आया है। इन्हीं में से एक कानून हिट एंड रन का है, जिस पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। दरअसल हर साल करीब 50,000 लोग सड़क पर हुए हादसों और समय पर अस्पताल न पहुंचाए जाने की वजह से मारे जाते हैं। ऐसे में हिट एंड रन कानून को सख्त कर दिया गया है। इसी को लेकर देश भर में ट्रक, टैक्सी और बस चालक आंदोलन कर रहे हैं। यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत तमाम राज्यों में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। बसों और ट्रकों के चक्के जाम हैं और शहरों में पेट्रोल तक की किल्लत होने लगी है। आइए जानते हैं इस कानून में ऐसे क्या प्रावधान है जिससे देश भर में गाड़ी वालों के होश उड़ गए हैं और वो जिस तरह से इस कानून को समझ पा रहे हैं उसकी बिना पर आंदोलन पर उतर आए हैं। आइए ड्राइवरों की जुबानी सुनते हैं कि ये कानून उनके लिए किस तरह से दोधारी तलवार साबित हो सकते हैं। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ। ये गाड़ी है मेरी, ये मंडी में चलती है, आल एमपी चलती है ये गाड़ी। 10 लाख रुपए 10 साल की सजा। अब ये मेरा शरीर देखो, 2 मुक्के की जान नहीं है मुझमें, मैं कहाँ से पिटूंगा पब्लिक से। इसलिए ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो बना के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये चाबी है, मैं आप सेठ जी के पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, धो दी है मैंने, अभी धोके लाया इसको बढ़िया। इससे मेरा घर परिवार चलता पूरा। ये इसकी बदौलत है आज मैं जो कुछ भी हूँ, मगर सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं ठेला लगा लूंगा नाश्ते का, मगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये चाबी देने जा रहा हूँ। दरअसल सेक्शन 104 में है हिट एंड रन कानून का जिक्र। हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है। इसके मुताबिक यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 104A में इसका जिक्र किया गया है। वहीं 104B में साफ किया गया है कि यदि कोई हादसा हो जाता है और गाड़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से या वाहन समेत भाग निकलता है तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी। इस बात से गाड़ी चलाने वाले सबसे ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। ड्राइवरों को सबसे ज्यादा चुभ रहा है ये सख्त प्रावधान। इसमें लिखा गया है कि यदि हादसे के बाद चालक घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन भी देना होगा। इसी प्रावधान को लेकर ड्राइवरों में उबाल है, वो इन कानूनों को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं। कहा जा रहा है उस्ताद, बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास, बीवी बच्चों का क्या होगा। बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है गाड़ियां खड़ी और जय सियाराम, जय हो भवानी। नए प्रावधान के मुताबिक हादसे के बाद वाहन चालक को पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी। यदि वो पीड़ित को मरता छोड़कर भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद होगी और फाइन लगेगा। जानकार कहते हैं कि ये दोहरी मुसीबत है। यदि हादसे के बाद ड्राइवर रुकता है और पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने के बारे में विचार करता है तो भीड़ उसे पीट पीट कर मार सकती है। यदि भागता है तो 10 साल की सजा, जिसका जिक्र भी ड्राइवर बार बार अपनी आपत्ति में कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कानून में ड्राइवर को हाथ लगाने वालों को भी सजा देने की बात हो। इतना ही नहीं, चूंकि गाड़ी किसी और की होती है जिनके यहाँ ड्राइवर सिर्फ नौकरी कर रहा होता है, ऐसे में ये कानून गाड़ी मालिक पर लागू हो, ड्राइवर पर नहीं। और गाड़ी जो है मालिक की है तो ये कानून बनाना है तो मालिक के ऊपर बनाए, ड्राइवर के ऊपर ना बनाए। ना बनाए, सही बात। कितने दिन का रहेगा ये हड़ताल आप लोग? ये जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये कानून बदलेगा नहीं तब तक कि हम हड़ताल पे रहेंगे।
इन हालात में मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई है, बसों के खड़े हो जाने से लोग बेबस हैं और लंबी दूरी के लिए अब वैकल्पिक साधन तलाश रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अब तो ड्यूटी वाले हैं और दो तीन दिन ही चल रहा है बोर्ड रहे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। और बस सारंगढ़ जाने भाई हम लोग को 200 किलोमीटर दूर है, बाइकों एक में जा भी नहीं सकते। नहीं ट्रेन नहीं जाता है सारंगढ़, रायगढ़ तक जाता है, लेकिन फिर रायगढ़ से फिर सारंगढ़ जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा परेशानी, बस नहीं चल रहा है। तो अभी फिलहाल बस, ऑटो, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर ही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सभी पर लागू होगा। ऐसे में निजी वाहन चालकों के लिए भी ये कानून चिंता का मसला है। आने वाले दिनों में हिट एंड रन को लेकर चल रहा आंदोलन और भी बढ़ सकता है। कानून के जानकारों का कहना है कि हिट एंड रन को लेकर नए सख्त प्रावधान एक चुनौती बढ़ा सकते हैं।